नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ई रिक्शा टेक में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि ई रिक्शा का आगे वाला वायरिंग को कैसे जोड़े, और ये रहा हमारा आगे वाला वायरिंग। तो हम देख सकते हैं ये हमारा जो है 6mm का फ्रंट वायरिंग, यानी आगे वाला वायरिंग हमारा जो जिस ई रिक्शा में कंट्रोलर ड्राइवर वाले बॉक्स में रहता है उस ई रिक्शा का ये वायरिंग है। और एक होता है कंट्रोलर जो पीछे रहता है वो पीछे वाला वायरिंग, तो वो पीछे वाला वीडियो हम लोग पहले बना चुके हैं। आप हमारे चैनल में जाके हमारे पहले वाला वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो को जो है नोटिफिकेशन आपको आते रहे। ये रहा हमारा आगे कंट्रोलर वाला वायरिंग, इसको हम फ्रंट वायरिंग भी कहते हैं। ये हमारा 6mm का वायरिंग है। अब इसमें हम देख सकते हैं आप कि ये हमारा दोस्तों हो गया आगे का पोर्शन जो हैंडल के पास हेडलाइट में रहता है, ये वाला वायरिंग सेट। और ये हमारा बीच में रहता है, ये हमारा जहाँ कंट्रोलर लगा रहता है वहाँ पर ये तार रहता है। और बाकी का जो है ये दोनों ये सबसे पीछे रहता है। ये दोनों इंडिकेटर का है, पीछे के दोनों इंडिकेटर के लिए इसको लगाया जाता है इंडिकेटर में। और ये जो हैवी वाला वायर जो है ये हमारा बैटरी में लगाया जाता है। इसको हमारा वायरिंग इससे 48 वोल्ट का नेगेटिव लेता है, और ये हमारा जो सीरीज करने के लिए ये वायर दिया जाता है। और इससे हम जो है बैटरी का 48 वोल्ट पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो इससे आप इस समझ गए। अब इसमें आते हैं, हम बीच में आते हैं जिस जहाँ पर हमारा कंट्रोलर लगा रहता है वहाँ पर इस वायरिंग का वायर का इस्तेमाल होता है। तो हम जान लेंगे पहले कि इसे वायर किस चीज़ का है। तो पहले आप देख सकते हैं ये दो रेड कलर का जो वायर है ये हमारा MCB कनेक्शन का है। ये इसमें MCB लगा रहते हैं, इसको जो है MCB ऑन ऑफ करता है, ऐसे करके लगा हुआ था MCB में। ये हो गया। उसके बाद जो हम देख रहे हैं ये दोनों वायर, ये हमारा चार्जिंग सॉकेट का होता है, जहाँ से हमारा ई रिक्शा चार्ज होता है वहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। इससे हम ई रिक्शा को चार्ज कर सकते हैं। ये 40 वोल्ट का पॉजिटिव और ये नेगेटिव वायर है। अब ये भी 48 वोल्ट का पॉजिटिव नेगेटिव वायर है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम कंट्रोलर में करते हैं। आप देखे होंगे कंट्रोलर में ब्लैक और रेड कलर का दो वायर होते हैं, मोटा हैवी वायर, जिससे कंट्रोलर 48 वोल्ट का पॉजिटिव नेगेटिव लेता है। तो इसी के साथ कनेक्ट करते हैं, जो हमारा वेलो बॉक्स में कनेक्ट होता है। ये भी हो गया। उसके बाद आते हैं ये वायर। ये सब वायर जो है हमारे दोस्तों, ये हमारा जो कंट्रोलर होते हैं, कंट्रोलर में एक्सलेटर का जो थ्रोटल का वायर होता है, ये थ्रोटल का वायर में कनेक्ट होता है। ये 3 कलर का, रेड, ब्लैक और ब्लू। और उसके बाद जो ये कलर है, ये वाला जो है दोस्तों, ये हमारा बैक का है, ये वाला, ये हमारा रिवर्स का है। गाड़ी जब हम रिवर्स करेंगे तो ये हमारा कंट्रोलर में जॉइंट होता है और यही रिवर्स करेगा। उसके बाद हम आते हैं ये दोनों कार में। ये जो हमारा 3 पिन का जो है ये वायर, 3 पिन का जो है ये हमारा एक जो ऑरेंज है, एक ब्लू है, एक ब्लैक है, ये हमारा कन्वर्टर का है, जो 12 वोल्ट कन्वर्ट करता है, 48 वोल्ट टू 12 वोल्ट कन्वर्ट करता है, उसी का है। तो याद रखिएगा दोस्तों, कन्वर्टर का जो वायर में सेट का जो वायर रहता है, ये 48 वोल्ट इसमें घुसता है, इससे 12 वोल्ट निकलता है ब्लू से, यही तो नेगेटिव है। तो याद रखिए, जब भी ये जो वायर है ये हमारा 48 वोल्ट घुसता है, तो इसमें इसका जो है 48 वोल्ट, ये भी 48 वोल्ट का ही है, सिंगल जो दिख रहा है आपको, ये हमारा कंट्रोलर को ऑन करता है, इग्निशन का काम करता है। ये जब भी हम गाड़ी का चाबी ऑन करते हैं तो ये इसमें 48 वोल्ट का करंट आता है और ये हमारा कंट्रोलर में घुसता है और कंट्रोलर ऑन हो जाता है, ये वायर। अब दोनों हो गया। अब आते हैं इस सब में। ये जो सिंगल आप जो है ये वाइट कलर का वायर देख रहे हैं, ये हमारा स्पीडोमीटर का है, जो मीटर डिजिटल मीटर में हमारा शो करता है स्पीड और किलोमीटर, इसी वायर की वजह से करता है। ये हमारे कंट्रोलर में ही लगाया जाता है। उसके बाद दोस्तों ये वायर जो है ये हमारा जो वायर है ये हम बैक हॉर्न में लगाते हैं। जैसे जब भी हम गाड़ी को रिवर्स करेंगे तो उसमें जो आवाज़ करता है टू टू वाला जो आवाज़ आता है, इसी वायर में जोड़ने से ही उस सामान को आता है। इसमें जो है बैक हॉर्न जोड़ा जाता है और इसमें बैक का आता तार ये
प्लस 12 वोल्ट है। आइए इसमें माइनस आएगा जिससे बैक होता है, जैसे इसमें अब बताएं हम कि आपका जो है इसमें इससे गाड़ी रिवर्स होता है, तो इसमें जो करंट है इसमें भी आता है, जब भी हम बैक करते हैं इसी तरह इसमें करंट आता है, ये बैक होता है और इसके आवाज़ भी करता है, हो गया। उसके बाद इसको हम कर सकते हैं दोस्तों, ये जो है ये दो वायर, ये हमारा जो है एक जब ब्रेक मारते हैं ब्रेक को शॉर्ट करता है ना, ब्रेक जब भी मारेंगे गाड़ी में तो कंट्रोलर में एक वायर रहता है, ये जो वायर है ये हमारा कंट्रोलर में लगाया जाता है, ये वायर हमारा कंट्रोलर में लगाया जाता है, और ये वायर जो है ब्रेक स्विच में लगाया जाता है, ब्रेक स्विच, इसे ब्रेक जिसे मारेंगे हम उसी तरह ये हमारा जो है शॉर्ट करेगा और हमारा जो है गाड़ी का एक्सीलेटर काम करना बंद कर देगा। तो आप सारा समझ चुके होंगे दोस्तों, और नहीं समझोगे तो फिर से वीडियो को पीछे करके देखिए, समझ जाइएगा। और उसके बाद जो अब हम आते हैं आगे में फ्रंट में, ये हमारा हो गया फ्रंट का, फ्रंट का हिस्सा हो गया, ये हमारा फ्रंट का हिस्सा हो गया, ये फ्रंट हमारे हेडलाइट में ये वायर रहते हैं, ये जो हमारा देख रहे हैं ये दोनों ब्लैक कलर के, ये हमारा जो ब्लैक करके देख रहे होंगे दोस्तों, ये है हॉर्न का वायर, ये डबल वायर दिया गया है हॉर्न का, इसमें हम हॉर्न को जोड़ते हैं हॉर्न। उसके बाद आते हैं हम इसके वायरिंग में, ये जो वायर आप देख चुके हैं ये तो आपको मैं बताया था, ये एक्स्ट्रा इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद जो ये आया है ये जो है ये हमारा जो है लेफ्ट साइड का स्विच सेट का, ये जो हमारा वायर है LR स्विच जो रहते हैं लेफ्ट साइड स्विच सेट का है, ये जो दोस्तों ये हमारा राइट साइड का स्विच सेट का, ये दो पिन वाला, और लेफ्ट साइड का हमारा दो जैक रहता है, एक ये जैक, ये दोनों हमारा जो है लेफ्ट साइड स्विच सेट का है ये दोनों जैक, और ये जो है हमारा राइट साइड स्विच। आप अगर इसको समझना चाहते हैं कि ये जो लेफ्ट साइड का स्विच सेट है किस चीज़ का है, तो हम आपको ये बता दें कि जो ये हमारा जो वायर है, ये जो दो वायर है, आपको तो पहले देखे होंगे कि हमारा कन्वर्टर से जो 12 वोल्ट निकला है वो ब्लू कलर का में निकला है, और यहाँ भी ब्लू कलर आया है, और यहाँ देख सकते हैं ये हॉर्न वाला तार, यहाँ पर देख सकते हैं हॉर्न का जो तार है ये पॉजिटिव वाला, ये पॉजिटिव मैच कर रहा है, तो इसको जो है जब भी हम हॉर्न का स्विच को प्रेस करेंगे तो ये हमारा इसमें कनेक्ट कर देता है और हॉर्न बजने लगता है। तो ये दोनों वायर हॉर्न का है, ये आप समझ चुके होंगे, ये दोनों वायर हॉर्न का है समझ चुके होंगे। उसके बाद आते हैं ये थ्री वायर में, ये जो दोस्तों है हमारा ये जो वायर है जो पीला में जो रेड लगा हुआ है, ये हमारा है फ्लाशर का, फ्लाशर से जो हमारा लाइन निकलता है यहाँ पर आता है, और यहाँ से हम स्विच के माध्यम से लेफ्ट साइड स्विच के माध्यम से इस दोनों में कनेक्ट करते हैं। ये हमारा हो गया राइट का, ये हो गया लेफ्ट का, ये लेफ्ट साइड का इंडिकेटर को जलाएगा, ये राइट साइड का इंडिकेटर को जलाएगा, ये स्विच के माध्यम से हम इसमें इसमें कनेक्ट करते हैं इंडिकेटर स्विच से इसको, ये हमारा फ्लाशर से आया रहता है। उसके बाद जो लेफ्ट साइड का ये जैक है, ये हमारा डिम डिपर का है, जो गाड़ी को हम लाइट को हेडलाइट को डिम डिपर करते हैं वही है, इससे ये हमारा राइट साइड से जब हम इसको ऑन करेंगे इस 12 वोल्ट इसमें सप्लाई देगा, और यहाँ फिर 12 वोल्ट हमारा आता है इसमें, और ये हमारा फिर डिम डिपर करके दोनों वायर में देगा, ये समझ चुके आप दोस्तों। उसके बाद ये जो डिम डिपर जो लाइट देगा, लाइट का जो वायर है ये है, ये इसमें आप पहचान सकते हैं कि आप देखिए इसका जो ये दोनों हरा वायर है, हरा और डिम डिपर का ये जो हरा दोनों है यहाँ दोनों आया हुआ है, ये हमारा हेडलाइट का है, ये हमारा हेडलाइट का है। डिम डिपर चलाने के लिए तीन वायर है, एक दोनों प्लस है ये माइनस है, डिम डिपर करने के लिए रहता है दो तार, ये आप देख लिए। उसके बाद हम आते हैं ये सब सारे कनेक्शन में, अब मैं आपको तो मैंने दिखाया था कि इंडिकेटर का है ये जो काला है और ये हरा है ये राइट साइड का है, और ये जो पीला है और ये काला है ये हमारा लेफ्ट साइड का है, जिसको मैंने यहाँ पर आपको बताया था इंडिकेटर के बारे में कि इसमें हमारा फ्लाशर का लाइन आता है और एक इसमें जाता है एक इसमें जाता है, ये हमारा हो गया लेफ्ट साइड, ये हमारा राइट साइड हो गया। इसी तरह यहाँ पर दो जो तार है चार को लाल हरा काला और पीला काला, ये हमारा इंडिकेटर का वायर है, इंडिकेटर में जोड़ सकते हैं, हो गया। उसके बाद जो है ये जो दो वायर है ये हमारा फ्लाशर का है दोस्तों, ये दोनों वायर फ्लाशर का है, आपको मैंने ये जो है ये हमारा 12 वोल्ट फ्लाशर में घुसेगा और यहाँ से फिर लाइन निकलेगा फ्लाशर का जो मतलब जो है जलता है और बंद होता है इंडिकेटर, इसी के कारण मतलब इसमें फ्लाशर एक रहता है सामान फ्लाशर लगता है, और यहाँ से जो ये लाइन निकलता है और ये यहाँ पर आता है, देखिए आया होगा
पीला में लाल देखिए यही वायर है सेम टू सेम इंडिकेटर में। इंडिकेटर का लेफ्ट साइड स्विच में आता है, यहाँ से फ्लाशर इसमें लगाया जाता है। ये 12 वोल्ट का है, दोनों वायर फ्लाशर में लगाए जाते हैं, ये समझ गए आप लोग। अब दोस्तों आता है ये इसमें आप पार्किंग लाइट लगा सकते हैं। ये जो काला और आपका ब्लू दिख रहा है ये आप पार्किंग लाइट में लगा सकते हैं, ई रिक्शा के पार्किंग लाइट में लगा सकते हैं। जैसे ही आप इस राइट साइड के स्विच को ऑन करेंगे उसी तरह हमारा ये ऑन हो जाएगा और इसमें जो है हमारा पार्किंग लाइट जलने लगेगा। उसके बाद दोस्तों इसमें आते हैं, ये हमारा आपको तो पीछे कंट्रोल में बताया थे, पीछे कंट्रोल का जहाँ वायर था कि ये हमारा जो वायर है ये हमारा स्पीड मीटर का वायर है, ये हमारा मीटर के साथ कनेक्ट होता है, ये हमारा स्पीडोमीटर का है। इससे गाड़ी में इस गाड़ी का स्पीड मीटर में शो करता है और किलोमीटर भी शो करता है। और दोस्तों ये जो है हमारा, ये हमारा एक्सेलेटर का है, रेड ब्लैक और ब्लू एक्सेलेटर का थ्रॉटल जिसे बोलते हैं, थ्रॉटल में कनेक्ट होते हैं ये, और ये हमारा रिवर्स के लिए कनेक्ट होते हैं थ्रॉटल के साथ। और किसी किसी कंट्रोलर में दोस्तों वो कभी माइनस से मतलब नेगेटिव से बैक होता है, कभी कभी 12 वोल्ट पॉजिटिव से बैक होता है। तो इस स्थिति में जो है ये जो हमारा ये 12 वोल्ट पॉजिटिव से बैक होने के लिए दिया गया है। अगर आपका कंट्रोलर नेगेटिव से बैक होता है तो इसको यहाँ काट के माइनस के साथ जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। जो काट के इसको नेगेटिव के साथ जोड़ दीजिएगा ये हमारा वो माइनस वाला कंट्रोलर रिवर्स होने लगेगा। उसके बाद आते दोस्तों ये हमारा इग्निशन का वायर है। आपको मैंने बताया था कि पीछे जहाँ कंट्रोल का वायर रहते हैं वहाँ ये इस कलर से इग्निशन ऑन होता है, मतलब कंट्रोलर ऑन होता है। इसमें रेड कलर का जो दिख रहा है इसमें 48 वोल्ट घुसता है, जब चाबी ऑन करते हैं इससे 48 वोल्ट निकलता है और ये हमारा चला जाता है, कंट्रोलर को ऑन कर देता है और मीटर को भी ऑन कर देता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें मीटर को ऑन करने के लिए यहाँ जो इसमें 40 वोल्ट डालता है यहाँ, फिर 40 वोल्ट ये हमारा मीटर का जैक है, 5 पिन का जैक है मीटर का। तो इसमें देखिए 48 वोल्ट का घुसा हुआ है इससे और माइनस मतलब इसको नेगेटिव दोनों से हमारा 48 वोल्ट हमारा मीटर ऑन हो गया। और ये जो ब्लू दिख रहा है ये हमारा जब हम ऑन करेंगे लाइट राइट साइड के स्विच को, जब ऑन करेंगे इस वाले को ऑन करेंगे राइट साइड के स्विच को, तब हमारा इसमें मीटर में शो करने लगेगा कि हमारा लाइट हेडलाइट जल गया। इस शो करने के लिए ये सब दिया जाता है, तीनों हो गया। और ये जो दोनों वायर है हरा और पीला ये दोनों इंडिकेटर शो करने के लिए हमारे मीटर में दिया जाता है कि जो इंडिकेट कर रहे हैं वो हमारा मीटर भी इंडिकेट करता है। और ये हो गया हमारा सारा चीज़ को कंप्लीट हो गया। धन्यवाद दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए। और इसी तरह अगर आपको वीडियो में कोई भी दिक्कत आ रही है समझने में तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। धन्यवाद।